अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? आई होप फाइव क्लास कल हमने हम की रीडिंग की थी. मैंने उसको आपके अल्फाज बयानी और आई थिंक आप लोगों को उसकी एक्सरसाइज मिल गई होगी जो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट कर लिए होंगे क्वेश्चन आंसर उसके. आज मैं आपको हम की तशरीह कराऊंगी, ये भी आपको नोट्स की सूरत में मिल जाएगी. तो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अशआर की तशरीह को राइट करना है, ऐसे ही राइट करना है जैसे मैं आपको नोट की सूरत में भेजूंगी. उसको आपने बिल्कुल भी अपने तरीके से नहीं करना. शेर नंबर एक लिखना है, शेर लिखकर सेंटर में आपने तशरीह लिखनी है और जब तशरीह आपकी एंड हो जाए तो उसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगाकर फिर दूसरा शेर आपने शुरू करना है. मैं आपको उसकी तशरीह बता दूँ. पहला शेर है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें है जाहिर खुशनुमाई. इस शेर में शायर क्या कह रहा है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो बनाई है उसमें अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, वो बहुत खूबसूरत है, उसका जो हुस्न है वो बहुत ज़्यादा है. जाहिर है अल्लाह ताला ने बनाई है तो वो चीज़ खूबसूरत ही होगी और जब हम उसको देखते हैं तो उसमें खूबसूरती नज़र आती है. दूसरा शेर है, उसकी कुदरत से फूल महके फूलों पर परिंद आकर चहके. शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतें जो हैं वो इंसानों के लिए पैदा की हैं. ये अल्लाह ताला की कुदरत का ही करिश्मा है कि उसने रंग बिरंगे फूल पैदा किए और उन फूलों मुख्तलिफ देखें हम देखते हैं कि जो फूल हैं वो हर तरह के फूल हैं, मुख्तलिफ रंग के मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, लेकिन उनसे बाग जो हैं वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और फिर उन फूलों के ऊपर जब परिंदे आकर चहकते हैं बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हसीन नज़र आते हैं और इंसान को वो बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं. थर्ड शेर है, तारों भरी रात क्या बनाई दिन को अजब बख्शी सफाई. रात को आपने देखा होगा कि आसमान पर तारे नज़र आते हैं तो शायर कहता है अल्लाह ताला ने इंसान की आसानी के लिए बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं जिनमें चांद सूरज तारे ये सब शामिल हैं. सूरज से हमें क्या मिलता है, हमें रोशनी मिलती है, हरारत मिलती है. अगर सूरज ना हो तो दिन और रात का हमें पता ही ना चले. तो सूरज की वजह से दिन रोशन और चमकदार हो जाता है जबकि रात को आसमान पर जब सितारे चमकते हैं तो वो रात की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं. शेर नंबर 4 है, क्या दूध सी चांदनी है छटकी हैरान होकर निगाह ठिठकी. मतलब शायर कहता है कि रात को जब आसमान पर चांद निकलता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है जिससे ऐसे लगता है कि किसी ने ज़मीन पर दूध की नहर बहा दी है और ये सब देखकर इंसान जब इंसान चांदनी को देखता है तो वह अल्लाह ताला की इस नेमत पर हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी इंसान के लिए हसीन और खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं. शेर नंबर 5 है, जाड़ा गर्मी बहार बरसात हर रुत में नया समा और नई बात. शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुख्तलिफ किस्म के हमारे लिए मौसम बना दिए. अगर मौसम मुख्तलिफ ना होते, एक ही मौसम रहता तो हम उकता जाते. मतलब अगर सारा साल गर्मी ही रहती तो इंसान घबरा जाता है कि पूरा साल गर्मी ही है. अगर पूरा साल सर्दी रहे तो भी इंसान घबरा जाता है. और सबसे बड़ी बात कि हमारी फसलें जो हैं वो मुख्तलिफ मौसमों में पकती हैं तो कभी अल्लाह ताला ने गर्मी बनाई, कभी बरसात, कभी बहार और कभी खिजा का मौसम है. ये सब मौसम जो हैं अपनी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की बहार दिखाते हैं. बरसात में जब बारिशें होती हैं तो हमारे दिल को बहुत अच्छी लगती हैं. अगर गर्मी में लोग जो हैं वो साए की तलाश में फिरते हैं, हम लोग साया ढूंढना चाहते हैं. इसी तरह बरसात के मौसम में बारिश भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बहार का जब मौसम आता है तो लोग बाग़ों का रुख करते हैं क्योंकि बहार के मौसम में नए नए फूल नए नए पत्ते खिलते हैं. शेर नंबर 6 में, मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए बाग़ों में उसने फल लगाए. इसमें शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को एक ख़ास अहमियत एक खासियत बख्शी है. उसके अंदर एक ये खूबी है कि उसके अंदर जब हम बीज बोते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के फल उगते हैं और फूल उगते हैं. इस मिट्टी से मुख्तलिफ किस्म के बाग तैयार हो जाते हैं. इनमें इन बागों में खुश जायका अच्छे यानी रंग के और जायके के फूल और फल इसमें उगते हैं. ये सब अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने फूलों और फलों को पैदा किया है. हमारा आखिरी शेर है, हर शे उसने बनाई नादिर बेशक खुदा है कवियों कादिर. शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़े उम्दा तरीके से बनाया है. उसने हर चीज़ में अल्लाह ताला की कारीगरी नज़र आती है.
यानी इसमें कोई शक नहीं हम कर सकते कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे ज़्यादा ताकत वाली है। कवियो कादर का मतलब है ताकत रखने वाला और कुदरत रखने वाला, ये अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं। तो अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पर कादिर है, ये कुरान पाक में भी इरशाद है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये मैंने आपको तशरी अभी समझा दी है, आपको नोट की सूरत में ये आपको मिल जाएगी, आपने इसको नोटबुक पर अपनी कॉपीज के ऊपर राइट कर लेना है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल नात पढ़ेंगे और मैं उसके बारे में आपको बता दूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।